सबसे पहली बात ही आती है कि एंटीजन होता क्या What do we mean by antigen? So, है वॉट डू वी मीन बाय एंटीजन सो देखिए एंटीजन का सिंपली मीनिंग ये है एंटीजन अगर वर्ड को आप तोड़ोगे तो एंटी इज एंटीबॉडी जेन इज कम्स फ्रॉम जनरेटिंग सो एंटीजन इज बेसिकली एंटीबॉडिंग जनरेटिंग केमिकल कोई भी ऐसा केमिकल जो कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडी जनरेट करेगा उसे हम एंटीजन कहते हैं ओके सो दीज आर द केमिकल्स दैट इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स मतलब ये इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं ट्रिगर करते हैं अब बात यह है समझने वाली यहाँ पर कि हमारी खुद की बॉडी के सेल्स पर भी एंटीजन प्रेजेंट है एंटीजेंस आर लाइक आईडी कार्ड्स, जैसे आपके स्कूल में आप जाते हो आईडी कार्ड पहन के जाते हो कोचिंग्स में आईडी कार्ड पहन के जाते हो वैसे हमारी बॉडी के हर सेल के ऊपर आईडी कार्ड होता है दैट इज एंटीजन तो हमारी बॉडी अपने खुद के सेल्स को अच्छी तरह से पहचानती है ओके okay. और अपने खुद के सेल्स के अगेंस्ट कोई वो इम्यून रिस्पॉन्स नहीं जनरेट करती है ये ठीक वैसा ही है कि अगर आप इलेवेंथ स्टैंडर्ड में हो आप इलेवेंथ क्लास में जाके बैठोगे तो आपको टीचर कुछ नहीं बोलेगा वो जानता है कि हाँ आप इस बैच के स्टूडेंट हो लेकिन आप किसी दिन जाके ट्वेल्थ में बैठ जाओगे तो आप निकाल दिए जाओगे क्योंकि आप उस बैच के स्टूडेंट नहीं हो ठीक इसी तरह से अगर मेरी बॉडी में बाहर से कोई एंटीजन आता है मतलब फॉरेन सेल मेरी बॉडी में आता है जिसके ऊपर कोई दूसरा एंटीजन लगा हुआ है तो मेरी बॉडी क्या करेगी उसको पहचान लेगी और उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगी एंड बिकॉज ऑफ दैट इम्यून रिस्पॉन्स वॉट माई बॉडी विल डू इज इट विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज ये बात तो आप सभी जानते हो कि जब हमारी बॉडी में कोई बाहर से एंटीजन आता है तो अपनी बॉडी क्या करती है एंटीबॉडीज बनाती है वॉट आर एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज दे आर प्रोटीन्स विच आर प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन लेकिन कौन सी एंटीजन के रिस्पांस में प्रोड्यूस होंगी एंटीबॉडीज कोई बाहर से आने वाले एंटीजन के हमारी खुद की बॉडी के जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट कभी भी एंटीबॉडीज नहीं प्रोड्यूस होंगी वरना तो बॉडी के अंदर ही लड़ाई चालू हो जाएगी सो so, बाहर से जब कोई एंटीजन मेरी बॉडी में आएगा तो मेरी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी और एंटीबॉडीज इस तरह के वाई शेप्ड प्रोड्यू होते हैं दोनों के बीच में लड़ाई होगी एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में रिएक्शन होगी एंड देन एंटीबॉडीज जो है वो एंटीजन को किल करेंगी सो अब यहां से मैं बताना ये चाहती हूँ कि जो आरबीसीस होते हैं उनकी सरफेस पे भी क्या होते हैं एंटीजेन्स होते हैं ओके okay, हम अब ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम की बात करते हैं तो अगर मेरे आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन uh, ए लगा हुआ है ठीक है ये आरबीसी है उसकी सरफेस पे अगर एंटीजन ए है ओके okay? सो so, मेरा ब्लड ग्रुप क्या होगा मेरा ब्लड ग्रुप होगा ए ऑलराइट नाउ अगर एंटीजन ए है तो मेरे ब्लड के प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सी प्रोड्यूस होगी एंटीबॉडी विच विल बी प्रेजेंट इन माय ब्लड विल बी एंटी बी मेरे ब्लड में एंटीबॉडी एंटी बी प्रेजेंट होगी एंटी बी का मतलब क्या है एंटी मींस अगेंस्ट इट इज अगेंस्ट द बी एंटीजन एंटी बी का मतलब है अगेंस्ट बी एंटीजन ओके इट इज नॉट अगेंस्ट ए इट इज नॉट एंटी ए एंटी ए किस लिए नहीं है यहाँ पर एंटी ए अगर होगी तो देखो मेरे आरबीसी के सर्फेस पे तो ऑलरेडी एंटीजन ए लगा हुआ है एंटी ए अगर होती तो दैट मीन इट वुड हैव बीन अगेंस्ट ए और वो मेरे खुद के आरबीसी को मार देती है सो इसलिए एंटी बी मेरे ब्लड में प्रेजेंट होगी ओके okay? सो so, ये अगर एंटीजन ए है आरबी की सर्फेस पे तो ब्लड ग्रुप ए है और अपनी एंटीबॉडी बी रहेगी एंटी बी देन अगर आरबीसी की सर्फेस पे बी है एंटीजन प्रेजेंट है, so, उस केस में क्या होगा एंटीबॉडी एंटी ए रहेगी और राइट नाउ यहां से एक बात ये समझनी आपको कि अगर इसीलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होता है वो हमेशा चेक करके किया जाता है अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है ओके okay, और उस पर्सन को अगर

उस केस में ब्लड ग्रुप विल बी ए बी और उस केस में जो ब्लड uh, के अंदर एंटीबॉडीज है दे वोंट बी प्रेजेंट एट ऑल यहां पर एंटी ए भी नहीं रहेगी एंटी बी भी नहीं रहेगी अदरवाइज क्या होगा दोनों में से कोई भी अगर एंटीबॉडी रही ब्लड में तो फिर ये जो आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे सो दैट्स नो एंटीबॉडी इन प्लाज्मा वाइल अगर आरबीसी की सर्फेस पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है यू कैन सी हियर कोई एंटीजन आरबी की सर्फेस पे अगर नहीं प्रेजेंट है सो ब्लड ग्रुप इज गोइंग टू बी ओ एंड उस केस में एंटी ए एंड एंटी बी दोनों एंटीबॉडीज

आरएच फैक्टर की हम बात करें सो आर एच फैक्टर जो होता है बच्चों आर एच फैक्टर इज एक्चुअली डोमिनेंट और ये दुनिया के 80 प्रतिशत ह्यूम के अंदर प्रेजेंट होता है तो आपने सुना है ब्लड ग्रुप ए बी के साथ साथ हम पॉजिटिव नेगेटिव भी यूज करते हैं तो अगर आर एच फैक्टर आर एच इज ऑल्सो एन एंटीजन

एंटीजन प्रेजेंट है तो आर एच पॉजिटिव होगा पर्सन अगर नहीं है तो वो आर एच नेगेटिव होगा सो so, अब आपने एंटीजन एंटीबॉडी का समझा है उससे अब आप यहां पर समझ सकते हो कि अगर किसी आर एच पॉजिटिव वाले बंदे को आर एच पॉजिटिव वाला ही ब्लड ट्रांसफ्यूज करवाया जाएगा ठीक है ये पर्सन ए है इसका आर एच पॉजिटिव है ब्लड ग्रुप अगर ये ब्लड ट्रांसफ्यूज करवाया जाएगा इस पर्सन में तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी क्या कोई रिएक्शन होगी अब मुझे बताओ ये जो है आर एच पॉजिटिव है पहले से मतलब इसके ब्लड पे भी आर एच एंटीजन प्रेजेंट है तो जब बाहर से आएगा तो इसके लिए कोई नया एंटीजन नहीं होगा सो so, इसकी बॉडी में कोई बहुत ही सीवियर कोई भी ऐसी रिएक्शन नहीं होगी ओके okay, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होगी अभी हम सिर्फ आरएच की बात कर रहे हैं एबीओ की बात नहीं कर रहे हैं वो सिर्फ मैंने आपको इंट्रोडक्शन के लिए बताया था सो so, यहां पर कोई एंटीबॉडी एंटीजन, एंटीजन रिएक्शन नहीं हुई फिर उसके बाद अगर नेगेटिव वाले पर्सन ने ब्लड डोनेट किया आर एच नेगेटिव वाले पर्सन को सो so, यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ये जो नेगेटिव वाला पर्सन है इसके पास तो कोई एंटीजन है ही नहीं आरबीसी पे ऑलरेडी नो एंटीजन इज देयर और इसके पास भी नहीं एंटीजन तो अगेन बाहर से कोई बॉडी देखेगी कि अरे कोई ऐसा एंटीजन आया नहीं है तो फिर से एंटीजन बॉडी रिएक्शन नहीं होगी ओके okay, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी देन थर्ड केस में अगर आर एच नेगेटिव वाले पर्सन ने आर एच पॉजिटिव वाले पर्सन को ब्लड डोनेट किया तो क्या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आएगी मुझे बताओ इसके पास भी अगेन आरबीसी की सरफेस पे कोई आर एच एंटीजन है ही नहीं और ये जो आर एच पॉजिटिव वाला पर्सन है उसकी बॉडी पे उसके आरबीसी की सोफिस पे है आर एच एंटीजन प्रेजेंट सो यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि बाहर से जो आरबीसी आ रहे हैं उसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं है तो बॉडी कोई एक्शन नहीं लेगी इम्यून रिस्पॉन्स यहाँ पर भी नहीं जनरेट होगा लेकिन लास्ट केस यहाँ पर है कि अगर किसी आर एच पॉजिटिव वाले पर्सन का ब्लड आर एच नेगेटिव वाले पर्सन के ब्लड में जाता है तो क्या होगा सो so, इस केस में अब ऐसा आरबीसी आ रहा है जिसकी सोफेस पे आर एच एंटीजन लगा हुआ है और इस पर्सन का आरबीसी जो है उसके ऊपर आरएच 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 एंटीजन 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 नहीं है 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 ये ये नेगेटिव पर्सन सो सो नाउ व्हाट विल हैपन जैसे ही बाहर बाहर से से पॉजिटिव ब्लड आया आया तो तो बॉडी कर कर लेगी कि अरे मारो इसको ये तो बाहर से कोई एंटर कर दिया है। so उस केस में क्या होगा डिस्ट्रॉय करेंगी तो मतलब ये है बताने का कि यहां पर आर एच इनकम्पैटिबिलिटी कब होगी बेटा आर एच इनकम्पैटिबिलिटी उस केस में होगी जब किस केस में होगी आर एच इनकम्पैटिबिलिटी तब होगी अगर किसी आर एच पॉजिटिव वाले का ब्लड आरएच नेगेटिव वाले ब्लड में आ जाएगा क्योंकि बाहर से कोई एंटीजन आ गया बॉडी रिकॉगनाइज करेगी एंटीबॉडीज जनरेट करेगी उसको ढाई ढाई किल करेगी उनके आरबीसी को तो इस केस में आर एच होगी और इसी का, का केस देखने को मिलता है ऐसी ही आर एच का केस देखने को मिलता है इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस में जो हम यहाँ पर मेन हमारा जो टॉपिक है समझने का सो so, देखिये बच्चो इरेथ्रो ब्लास्टोसिस फिटैलिस का जो केस होता है इसमें एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज दैट कि अगर कोई मदर है जो आरएच नेगेटिव है ठीक है फीमेल की बॉडी में आर एच फैक्टर नहीं है आरबीसी नहीं है सो द मदर इज आर एच निगेटिव एंड द फादर इज आर एच पॉजिटिव ओके अब जैसे मैंने आपको बताया कि 80 प्रतिशत ह्यूमन इंसानों की तादाद जो है वो आर एच पॉजिटिव है तो ऑफ कोर्स वो डोमिनेंट फैक्टर रहेगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो अगर किसी आर एच निगेटिव वाली महिला की शादी होती है आर एच पॉजिटिव वाले पर्सन से और उनकी मेटिंग होती है सो वॉट विल हैपन इन दैट केस इज दैट के देर विल बी चांसेस सी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एस एच क्यों क्योंकि प्लेसेंटा है यहाँ पर प्लेसेंटा जो है वो so, बैरियर बना के रखता है फीटस और मदर का ब्लड मिक्स नहीं होने देता है वो प्रेगनेंसी के दौरान लेकिन

rh पॉजिटिव है मतलब इसके जो एंटीजेन्स है rh एंटीजेन्स वो कहां एंटर कर जाएंगे मदर के ब्लड में कब प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी के टाइम पर नॉट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी क्यों क्योंकि प्लेसेंटा है लेकिन डिलीवरी के टाइम पर अम्बिलिकल कॉर्ड कटी तो उस वजह से क्या हुआ कुछ जो rh एंटीजन है से वो कहां आ गया मदर के ब्लड में ठीक है और इसकी वजह से क्या होगा बिकॉज ऑफ दिस नाउ मदर की बॉडी ही रिक्नाइज करेगी अरे ये तो आर एच एंटीजन आ गया कहीं से सो व्हाट विल मदर्स बॉडी डू मदर की बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज जनरेट करेगी एंटीबॉडीज जनरेट करने लगेगी किसके अगेंस्ट ये जो आर एच एंटीजन आया है उसके अगेंस्ट सो आर एच एंटीबॉडीज विल बी प्रोड्यूस इन द मदर्स ब्लड ड्यूरिंग दिस टाइम ओके मदर के ब्लड में आरएच एंटीबॉडीज बनने लगी इस टाइम पे अब क्या हुआ इस टाइम पर जब फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो उस टाइम पर फीटस को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सीवियर क्योंकि यहां पर जस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होनी शुरू हुई है सो एस सच फीटस को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फर्स्ट प्रेगनेंसी तो हो जाएगी ठीक है आर एच एंटीबॉडीज लेकिन अब प्रोड्यूस हो गई है कहां पर मदर के ब्लड में किसके अगेंस्ट ये जो आर एच एंटीजन आए ना मदर के ब्लड में फीटस से उसके अगेंस्ट ठीक है अब अगर सेकेंड प्रेगनेंसी हुई और सेकेंड प्रेगनेंसी में भी अगर फीटस जो है वो आर एच पॉजिटिव है सो तो अब जो कंडीशन है वो भयानक हो सकती है क्यों क्योंकि अब बॉडी में मदर की बॉडी में आप देखो पहले से ही एंटीबॉडीज बनी हुई है आर एच एंटीजन के अगेंस्ट पहले से अब मदर की बॉडी में एंटीबॉडीज प्रेजेंट है सो नाउ यू कैन इमेजिन कि अब जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा दूसरी बार वो बहुत ज्यादा भयानक होगा बहुत ज्यादा सीवियर होगा एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन सो अब ज्यादा खतरनाक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा सेकेंड टाइम पे और रिमेम्बर जो आर एच इनकम्पेटिबिलिटी की वजह से इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है ना इट इज ऑलवेज वेरी सीवियर सो नाउ दिस टाइम वॉट विल हैपन अब मम्मा की बॉडी में ऑलरेडी देखो एंटीबॉडीज प्रेजेंट है दूसरी बार तो नाउ वट इज गोइंग टू हैपन हियर ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द सेकंड चाइल्ड अब जब दूसरी बार डिलीवरी का टाइम आएगा तो फिर से ब्लड एक्सचेंज होगा है ना आम्बिलिकल कॉर्ड कटेगी ब्लड का एक्सचेंज होगा भाई ब्लड का एक्सचेंज होने की वजह से फिर से जो आरबीसी है फीटस के वो कहाँ जाएंगे मदर के ब्लड में जाएंगे ओके और मदर के ब्लड में ऑलरेडी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है सो मदर का ब्लड भी जो है अब उसमें क्योंकि बहुत सारी एंटीबॉडीज है सो दैट विल ऑल्सो एंटर इन टू फीटस ओके अब जो ब्लड है पहले वाले ब्लड में एंटीबॉडीज इतनी नहीं थी एंटीबॉडीज जस्ट प्रोड्यूस होनी शुरू हुई थी लेकिन अब तो ब्लड में पहले से एंटीबॉडीज प्रेजेंट है सो नाउ व्हाट विल हैपन कि ये जो मदर की एंटीबॉडीज uh, हैं ये फीटस में एंटर होंगी और ये फीटस में एंटर होकर क्या करने लगेंगी फीटस में एंटर होकर जो फीटस की आरबीसीज़ हैं, उनको किल करने लगेंगी दे विल स्टार्ट किलिंग देम ओके okay. और इस वजह से जो आरबीसीज हैं वो डिस्ट्रॉय होंगे फेटस के, फेटस के हो जाएंगे. एक सीवियर कंडीशन डेवलप हो जाती है एंड दैट इज वॉट वी कॉल एज इो ब्लास्टोसिस फीटालिस और इसकी वजह से फेटल कंडीशन मतलब जानलेवा कंडीशन फीटस की डेथ भी हो सकती है या फिर फीटस में एनीमिया होगा जॉन्डिस होगा क्यों हो रहा है ये सब क्योंकि जो आरबीसीज है फीटस के, वो अटैक हो रहे हैं किससे कौन अटैक कर रहा है उनको एंटीबॉडीज जो कि मदर की बॉडी में बनी हुई थी तो इस कंडीशन को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस फीटालिस कहते हैं ये इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दौरान क्या हो रहा है कि फीटस के आरबीसी मरते जा रहे हैं और फीटस की जो बोन मैरो वो इमेर आरबीसी जिन्हें हम कहते हैं वो प्रोड्यूस कर रही है सो so, फीटस के अंदर बहुत तेजी से बन रहे हैं और उनका क्योंकि है तो कोई फंक्शन नहीं होगा उस जगह पे so, इस, इस कंडीशन को हम इरिथ्रो ब्लास्टोस फीटेलिस कहते हैं ओके सो ये तो हुई दूसरी डिलीवरी के दौरान ऐसी कंडीशन आ जाती है जानलेवा हो सकती है फेटल हो सकती है और सीवियर अनीमिया और जॉन्डिस हो सकता है इसकी वजह से तो क्या ये दिक्कत हमेशा आएगी अगर कोई महिला है प्रेग्नेंट हो रही है सेकेंड टाइम पर और फीटस पॉजिटिव और मदर अगर नेगेटिव है तो क्या ये प्रॉब्लम हमेशा आएगी सो so, इसके लिए अब हमारे पास प्रिवेंशन है वी हैव अ क्योर व्हाट इज द प्रिवेंशन प्रिवेंशन ये है कि पहली प्रेगनेंसी के टाइम पर जब पहली डिलीवरी के टाइम पर 72 टू आवर्स के अंदर ही अगर एंटी एंटीआरएच एंटीबॉडीज इंजेक्ट कर दी जाए मदर के ब्लड में ठीक है सो क्या है इसका प्रिवेंशन के ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी फर्स्ट okay. प्रेगनेंसी में फर्स्ट फिर फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पर क्या करना है? First delivery के पर, तुरंत या फिर टू बी डन सेवेंटी टू घंटे के भीतर भीतर ही क्या करना है सेवेंटी टू आवर्स के इन ही देर टू बी एंटी आरएच इंजेक्शन एंटीआर अगर लगा देते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है एंटीआरएच इंजेक्शन इंजेक्ट करी है वो क्या करेंगे आए हैं मतलब ये जो आरबीसी आए हैं फीटस से मदर के ब्लड में उनको वो टारगेट कर करके वहीं पर किल कर देगी तुरंत इनको किल कर देगी वो ओके okay, ये जो मदर के ब्लड में फीटस के आरबीसी आए हैं ना उनको वो तुरंत टारगेट करके किल करेगी एंड बिकॉज ऑफ दैट वॉट विल हैपन जो एंटीबॉडीज यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है ना वो फिर नहीं होंगी और इस तरह से सीवियर इम्यून रिस्पॉन्स नेक्स्ट प्रेगनेंसी में नहीं जनरेट होगा क्योंकि यहाँ पर एंटीबॉडीज नहीं रहेंगी फिर नेक्स्ट प्रेगनेंसी में सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इरिथ्रो ब्लास्टोसिस फिटैलिस अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना कॉमेंट करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड सी इन द नेक्स्ट सेशन टिल देन पढ़ाई करते रहो एंड ऑल द बेस्ट